दोस्तों जिस फिल्म की गाना का था हम सभी लोगों को इतने दिनों और लंबे समय से इंतजार, मोर छैहा भुरिया टू फिल्म का, तो दोस्तों इस फिल्म का तीसरा गाना तुरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी को अपलोड कर दिया गया है। अब देखना यह है दोस्तों कि यह गाना तुरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी हिट होगा या फ्लॉप, और इससे पहले वाला गाना या अभी का नए फ्लेवर अंदाज वाला गाना, इन दोनों गाना में कौन बेस्ट है आदि सब आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में बिल्कुल पूरा लास्ट तक। तो दोस्तों मैं चुनेश्वर पटेल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें। जैसा कि दोस्तों निर्माता निर्देशक सतीश जैन की डायरेक्शन में फिल्माया गया फिल्म मोर छैहा भुरिया को साल 2000 में रिलीज किया गया था और आज इस फिल्म का दूसरा पार्ट मोर छैहा भुरिया टू फिल्म बनाया गया है। आपको बता दे दोस्तों कि मोर छैहा भुरिया में एक गाना बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया था और उस धमाकेदार सुपरहिट गाना है तुरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी। दोस्तों यह गाना छत्तीसगढ़ की सबसे पहली और सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मोर छैहा भुरिया का है और इस गाने पर स्टार कास्ट का मुख्य भूमिका निभाया था हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अभिनेता अनुज शर्मा और अभिनेत्री निया शर्मा आदि, इन दोनों एक्टर एवं एक्ट्रेस इस गाना में दिखाई दिया था और इस गाना में अनुज शर्मा और निया शर्मा इन दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद किया था। और दोस्तों बात करते हैं कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट मोर छैहा भुरिया टू का, तो दोस्तों इस फिल्म का वही गाना तुरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी को एक नए ट्रेंडिंग अंदाज के रूप में फिल्माया गया है जिसमें स्टार कास्ट के रूप में दीपक साहू और एल्सा घोष आदि इन एक्टर एवं एक्ट्रेस इस गाना में दिखाई दिया है। और दोस्तों इस गाना में मुख्य स्वर दिया है हमारे छत्तीसगढ़ में मेलोडी किंग के नाम से प्रसिद्ध गायक नितिन दुबे और अनुपम मिश्रा जी आदि, इन दोनों गायक एवं गायिका ने मिलकर इस गाना टूरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी में अपने सुरीली और मधुर आवाज इस गीत को गाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यह गाना टूरी आइसक्रीम खाके फरार हो गए जी हिट होगा या फ्लॉप, तो बता दे दोस्तों यह गाना कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तों यह गाना बड़े फिल्म की प्रोजेक्ट का गाना है और बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। बाकी दोस्तों आप सभी लोग खुद बताएं कि इससे पहले वाला पार्ट का गाना बेस्ट था या अभी का नए अंदाज वाला गाना, और दीपक साहू और एल्सा घोष की जोड़ी कैसा लगा नीचे कमेंट में अपना राय जरूर देना।